ये हमारे देश के मजदूर हैं, इस समय अपने घर पैदल जा रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि मजदूरों के लिए उनके घर जाने की व्यवस्था की जा रही है, और यह सच भी है, लेकिन हकीकत यह भी है जो यह दृश्य बयां कर रही है। विश्व पटल पर भारत का गौरव कोई ऊंचा किया है तो पर्दे के पीछे का सबसे बड़ा योगदान इन मजदूरों का है। इनके खून पसीने से आज भारत ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान हासिल किया है, लेकिन बदले में इनको मिला क्या? कुछ नहीं। दोस्तों, आजादी के बाद हर चुनाव इन्हीं गरीब मजदूरों के मुद्दे पर लड़ा जाता है। हर राजनीतिक दल इनके लिए चुनाव में मुद्दा अलग अलग बनाती है। मुद्दा तो हर चुनाव में यही रहते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इनका मुद्दा पूरे 5 साल तक खत्म हो जाता है। फिर चुनाव होता है, मजदूर और गरीब मुद्दा बनता है, और कौन कितना इनके लिए किया, नेता लोग बड़े बड़े जनसभा करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। अफसोस यह भी कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे तो गरीब मजदूर बनते ही हैं, और साथ ही इनके जनसभाओं में भीड़ भी इन्हीं लोगों के द्वारा जुटाई जाती है, क्योंकि गरीब और मजदूर इन सियासतदारों के लिए बहुत सस्ती वस्तु है। अब इस दृश्य को देख लीजिए, जानवरों से भी सस्ता इंसान का जीवन हो गया है। जिस बैलगाड़ी में 2 बैल से सवारी किया जाता है, वह भी अब नहीं हो रहा है। उसका काम किसी वस्तु को ढोने में उपयोग किया जाता है। उस बैलगाड़ी में 1 बैल के ना रहने पर यह लाचार मजदूर अपने बैल बनकर अपने घर के तरफ जा रहा है। अब हमें सोचना होगा कि हम कौन से दशक में जी रहे हैं, और सवाल यह है कि इस मजदूर की इसमें गलती क्या है? वह मजबूर होकर बैल बनने पर मजबूर क्यों हुआ? सोचिएगा जरूर कि क्या इसी आधुनिक भारत की कल्पना आप और हमने की थी। दोस्तों, मजदूर जब यह आरोप लगाते हैं कि पैदल जब वह चलते हैं और रास्ते में पुलिस उनको परेशान करती है, तो सवाल उन लोगों से बनता है कि जब वह यह कहते हैं किसी भी मजदूर को अपमानित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह हमारे देश के गौरव साहब, गौरव तो जरूर है, लेकिन वह सिर्फ कहने के लिए, हकीकत तो कुछ और ही है। मजदूर हमेशा राजनीति के केंद्र बिंदु में रहे, हमेशा उन पर सियासत होता रहा, लेकिन इस कोरोना काल में इन मजदूरों पर राजनीतिक दल राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। जब बात उनके किराए को लेकर हुई तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए, लेकिन साहब इस समय तो सियासत मत करिए, क्योंकि मजदूर मजबूर हो गए हैं, और इस पर जो राजनीति करेगा उसको पाप लगेगा। दोस्तों, देश में मजदूर इस समय व्यथित दुखी है, क्योंकि उनके सामने दोहरा संकट है। एक तो उनको घर जाना है, दूसरा उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। अब इस दोहरे मार से इन मजदूरों को बचाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वह सही है, लेकिन हकीकत में यह प्रयास कितना सफल होने वाला है यह आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।